तो मेरे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में लोग एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना सीखेंगे। सबसे पहले एक जनरल तरीका सीखेंगे, ठीक है, कैसे एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। उसके बाद पाइथोनेटिक सॉल्यूशन देखेंगे, एक लाइन में कैसे रिवर्स कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेरा नाम है मुकेश, तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सपोज करो टेक्स्ट न्यू लाइन पे, और उसको मैं साइन करता हूँ, मे बी एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मे बी कोडर, ठीक है, कोडर एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसको रिवर्स करना है मेरे को, ठीक है। तो रिवर्स कैसे करें, तो एक तरीका माइंड में मेरे आ रहा है कि ये जो टेक्स्ट है इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाऊँ, डायरेक्टली प्रिंट करवा दूँ, या दूसरा तरीका हो सकता है कि एक मैं वेरिएबल में स्टोर करवाऊँ, रिवर्स करवा के फिर प्रिंट करवाऊँ, ठीक है। दोनों तरीके देख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो मेरे को उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है अगेन, तो मेरे को लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फॉर लूप यूज कर लेता हूँ, फॉर आई इन टेक्स्ट होल्ड ऑन, बट ऐसे लिखने से क्या टेक्स्ट में इटरेट तो कर पाएंगे, बट आई में क्या होगा, एक एक करके ये फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न होगा, आई में सी रिटर्न होगा, ओ रिटर्न होगा, बट अपने को रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। तो ऐसे टेक्स्ट लिखने के बजाय अपन यहाँ पे यूज करेंगे रेंज, ठीक है, रेंज। अब रेंज में अपने को रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेंथ, लेंथ फाइंड करने के लिए टेक्स्ट की। तो लेंथ फंक्शन में मैं पास कर देता हूँ, लेंथ मेथड में मैं पास कर लेता हूँ ये जो टेक्स्ट हम लोगों ने बनाया है, बट होल्ड ऑन, इसका जो लेंथ होगा, ठीक है, सपोज करो उसकी कोडर है, तो 1 2 3 4 5 6, इसकी लेंथ 6 है, बट जो लास्ट इंडेक्स है ये 5 होगा, क्योंकि इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होता है ना, तो ये 5 होगा, बट इसकी लेंथ 6 है, तो मेरे को यहाँ पे लेंथ -1 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो -1 से मैं एस एस को रिफर कर रहा हूँ, ठीक है, लास्ट इंडेक्स को रिफर कर रहा हूँ। मेरे को जाना है इस फर्स्ट इंडेक्स तक, 0 तक के, ठीक है, 0 तक के, तो मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, बट होल्ड ऑन, 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, राइट, है ना, ये वाला एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं होता है, तो यहाँ पे मैं लिखना पड़ेगा मेरे को -1 अगर 0 तक के मैं चाहता हूँ जाए, ठीक है। अब मेरे को चाहता हूँ रिवर्स डायरेक्शन में जाए, तो अगेन फिर से मेरे को -1 लिखना पड़ेगा, हो गया हमारा, बस खत्म। अगेन जिसको रेंज फंक्शन के बारे में नहीं पता, मैंने अपने सेपरेट वीडियो में पहले ही हम लोग रेंज फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, तो उस वीडियो को तुम लोग देख सकते हो रेंज को अगर और डेप्थ में समझना है तो, ठीक है, ऑसम। तो अपन यहाँ पे सिंपली क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, क्या आई, नहीं आई नहीं, टेक्स्ट, आई में बेसिकली इंडेक्स रिसीव हो रहा है हमारा, तो टेक्स्ट, फिर उसके बाद अपन ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं और आई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सेव करूं और इसको मैं अगर रन करूं, ठीक है, देखो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो चुका है, ऐसे उल्टा रीड कर सकते हो, सी ओ डी ई आर एस, ठीक है, कोडर्स, ओके। अगर तुम लोग चाहते हो कि न्यू लाइन पे ऐसे प्रिंट ना हो, तो तुम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो और कॉमा देके एंड, और एंड में ऐसे एम्प्टी कोट्स पास कर सकते हो। सेव करते हैं इसको और रन करें, तो देखो अब क्या न्यू लाइन पे प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो बहुत ईजी था। अब चलो अपन एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, फिर अपन उस वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, इसको कमेंट आउट करते हैं। उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, जनरल जनरल अप्रोच ये होना चाहिए कि हम लोग इसके अंदर लूप करेंगे, है ना, लूप करेंगे, इसके अंदर इटरेट करेंगे, बट उसको फिर रिवर्स ऑर्डर में अपन एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, ठीक है, या कॉन्केट करवाएंगे। चलो देखते हैं उसका अप्रोच क्या होगा। तो मैं लिख लेता हूँ फॉर आई इन टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज करो मैं एक वेरिएबल, हाँ बना, वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा, सपोज करो आर ई एस यू एल टी रिजल्ट करके मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, जो कि होगा इनिशियली होगा खाली, तो एम्प्टी कोट्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सपोज करो ऐसा लिखता हूँ कुछ, रिजल्ट रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस प्लस आई, ठीक है, सपोज करो मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, हाँ तुम लोग मैं जानता हूँ तुम लोग को क्या आएगा आउटपुट, चलो गैस करो क्या आएगा आउटपुट, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ फिर, ठीक है, प्रिंट और यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रही रिजल्ट, ठीक है। ऐसा करेंगे तो अपनी बेसिकली एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी, देखो, ठीक है, कोडर्स कॉपी क्रिएट हो गई हमारी, तो सेम टू सेम कोडर जो हम लोगों ने बनाया वही प्रिंट हो रहा है रिजल्ट में। अगर मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करूं, ठीक है, कॉन्केट तो ऐसे मैं सीधा सीधा कॉन्केट करवा रहा हूं, अगर मैं इस आई को यहाँ आगे लगा दूं तो क्या होगा, यस, इससे हमारा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा, ठीक है, आई को मैं यहाँ आगे लगा दे रहा हूँ, ठीक है, अगेन मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में क्यों प्रिंट हो रहा है, देखो अब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, अमेजिंग, राइट, देखा, ये तो मस्त सॉल्यूशन था। अगेन थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज किया, ट्विस्ट किया, तो ये रिवर्स ऑर्डर में हो गया। अब समझाता हूँ मैं ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट हैश यूज कर लेता हूँ। तो बेसिकली फर्स्ट टाइम अपने को यहाँ पे आई में रिटर्न हो रहा है सी, ठीक है, यहाँ पे आया सी, ठीक है, सी प्लस, अगेन ये अभी खाली है तो सी कॉन्केट, सी प्लस खाली कॉन्केट हुआ, तो अभी हमारा फर्स्ट इटरेशन में सी है, ठीक है। सेकेंड इटरेशन में ओ रिसीव हुआ हमारे पास, तो यहाँ पे आया ओ, ओ कॉन्केट हुआ रिजल्ट के साथ, अब रिजल्ट क्या है सी है, तो ओ यहाँ शुरू में आएगा, यहाँ पे ओ, ठीक है, यहाँ शुरू में कॉन्केट हुआ ओ, और रिजल्ट क्या, रिजल्ट में इनिशियली फर्स्ट इटरेशन में सी आ चुका था रिजल्ट में, ठीक है। थर्ड इटरेशन में डी आया, ठीक है, तो यहाँ पे डी कॉन्केट हुआ हमारे रिजल्ट की वैल्यू के साथ, तो ओल्ड रिजल्ट की वैल्यू क्या थी सी, ओ सी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, अब डी आया, ठीक है, यहाँ पे डी प्लस ओ सी
कॉन्कैट हुआ इसमें, ठीक है, ओसी। अब फिर हमारा कौन सा था, थर्ड फोर्थ इटरेशन में ई आया, तो ई प्लस ओल्ड रिजल्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास, डीओसी। तो यहाँ पे ई प्लस डीओसी कॉन्कैट हुआ। सिमिलरली हमारा क्या, फिफ्थ इटरेशन में आर आया, फिर सिक्स इटरेशन में एस आया, तो अगेन फिर यहाँ पे आर आया, फिर उसके बाद एस कॉन्कैट हो गया। अरे यार एस कॉन्कैट हो गया, ठीक है, और वही तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। यस, ये तो यही तो रिवर्स ऑर्डर है, राइट। तो ये भी एक जनरल तरीका था मैंने बताया, ठीक है, ये सब जनरल तरीके हैं रिवर्स करने। चलो अब देखते हैं पाइथोनिटिक सोल्यूशन क्या है, इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ, अगेन इस प्रिंट को हटा देता हूँ, अगेन ये भी एक जनरल तरीका था, ठीक है, अगेन कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि तुम लोग कोड देख सको, ठीक है, फ्यूचर में वीडियो पॉज करके नोट कर सको, ये सब तरीके हैं रिवर्स करने के, ठीक है। हाँ, सो अब देखते हैं पाइथोनिटिक सोल्यूशन। तो पाइथन में हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स, ठीक है। तो अब मैं तुम लोग को प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, PRINT प्रिंट, सीधा प्रिंट करूंगा रिवर्स हम लोग को क्या रिटर्न करता है, प्रिंट करवाऊंगा मैं RevRSED। अगेन सजेशन नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। ओ डाउनलोडिंग माइक्रोसॉफ्ट पाइथन, अगेन जो भी हो रहा है सजेशन, ठीक है, सजेशन की मेरे को जरूरत नहीं, मेरे को सब याद है। ओके, रिवर्स में जिसको रिवर्स करना है हम लोग को, सिंपली अगेन इस रिजल्ट को हटा देता हूँ, ठीक है, जिसको भी अपने को रिवर्स करवाना है सिंपली उस रिवर्स में अपने को उसको पास करना है, टेक्स्ट को मेरे को रिवर्स करना है, दैट्स इट, सिंपल। सेव करूंगा अगर मैं, अगेन इसको थोड़ा सा ना इधर कर देते हैं, ठीक है, और मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, CLEAR। ओके, अगर मैं रन करूँ उसको तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट रिवर्स्ड एट, ठीक है, तो अपने को बेसिकली ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। तो बेसिकली जो रिटर्न होता है ना, ये इटरेबल इटरेटर होता है बेसिकली, ठीक है। तो अगेन मैं लिस्ट में हम लोग को कन्वर्ट कर दिखाता हूँ, ठीक है, फिर ज्यादा समझ में आएगा। देन इसको अगर मैं लिस्ट में कन्वर्ट करूँ तो बेसिकली इटरेटर जो है रिटर्न करता है अपने को, देखो अपने को एक लिस्ट रिटर्न हो रही है, राइट। तो अपने को अगर चाहते हैं अपन कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, तो अपने को बेसिकली ज्वाइन करना पड़ेगा विथ एम्प्टी कोट्स, ठीक है, एम्प्टी कोट्स से ज्वाइन कर देंगे तो अपन उसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डॉट ज्वाइन। अगर जिसको ज्वाइन के बारे में नहीं पता, तो मैं पहले ही अपना बना चुका हूँ वीडियो, अगेन स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, उसमें तुम लोग उसको देख सकते हो, ज्वाइन को अगर तुम लोग को डेप्थ में समझना है, ठीक है, ज्वाइन कैसे काम करता है। ओके, रन करूँ तो अब देखो अपने को यहाँ पे आ रहा है रिवर्स स्ट्रिंग, राइट। तो ये वन लाइन सोल्यूशन था, ठीक है, ये भी वन लाइन सोल्यूशन था, अगेन अपने को लिस्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिवर्स्ड है ऑलरेडी अपने को ऐसे इस तरीके का कुछ इटरेटर रिटर्न करता है, राइट। तो अपने को लिस्ट यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, यस, वो तो मैं तुम लोग को दिखाने के लिए लगाया, बट लिस्ट लगाने की जरूरत नहीं, दिस ऑल्सो वर्क्स, ठीक है, सिंपल ये काम करता है। सेव करूं मैं इसको, रन करूं, ठीक है, तो अगेन तो भी रिवर्स हो रहा है, ठीक है, लिस्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिवर्स जो ऑलरेडी हम लोग को एक इटरेटर रिटर्न करता है, तो इटरेट करना है तो बेसिकली तो अपन इटरेट करके उसको ज्वाइन करेंगे विद एम्प्टी कोट्स, एम्प्टी कोट्स मतलब उन दोनों ज्वाइन अपने को बेसिकली सेपरेट आउट नहीं करना है एलिमेंट्स को ज्वाइन करने के बाद। अगेन अगर सपोज करो यहाँ पे मैं ऐसे स्लैश डाल देता तो ये बेसिकली ज्वाइन होते और उनके बीच में ये डैश आ जाता, ठीक है, डैश आ जाता। अगेन तो मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में कुछ ना है, तो अगेन तो मैं एम्प्टी कोट्स लिखता हूँ, राइट। अगेन ज्वाइन के बारे में हम लोग पहले ही बात कर सकते कर चुके हैं, ठीक है, ऑसम। हाँ, सो ये भी तरीका बहुत बढ़िया था, ठीक है, बट होल्ड ऑन, हमारे पास एक बहुत बढ़िया तरीका है जो मेरा फेवरेट है, वो है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है, अगेन बहुत मस्त चीज है। अब तुम लोग को मैं दिखाता हूँ, मैं डायरेक्टली प्रिंट करूंगा, ठीक है, टेक्स्ट को। अब मैं इस टेक्स्ट को करूंगा स्लाइस, तो यहां पर लिखूंगा एम्प्टी कोलन शुरू और दो एम्प्टी कोलन, और यहां पे लिखूंगा तेरे को स्टार्टिंग से एंड तक के प्रिंट करने, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। यस, अगेन एम्प्टी लिख देता हूं तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक के प्रिंट करता है, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, एक एक करके डिक्रीमेंट करनी है अपने को वैल्यूज। अब अगर मैं सेव करूं और इसको प्रिंट करूं, ये देखो, ये है हमारा बेस्ट सोल्यूशन पाइथन का, एक लाइन में स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करेंगे हम लोग, ऐसे एक लाइन में रिवर्स करेंगे, ठीक है। अगर होल्ड ऑन, सपोज करो इसको तुम लोग यूजर से भी इनपुट करवा सकते हो, यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो इनपुट, यस लाइक दिस, अगेन अब सजेशन आने लगे। ओके, सो बेसिकली कुछ इंस्टॉल हो रहा था, तो अगेन बहुत दिनों के बाद खोला हूं, तो इसलिए मैं भी काम नहीं कर रहा था इंटेलिजेंस। ओके, इनपुट, अब यूजर से इनपुट ले सकते हैं अपन, सपोज करो मैं लिखता हूँ ABCDEF, यूजर से इनपुट लेता हूँ तो अपने को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, राइट। या तुम लोग इसको भी हटा सकते हो, अगेन तुम लोग इसको भी एक ही लाइन में लिख सकते हो, अगर तुम लोग को यूजर से इनपुट लेना है तो तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो प्रिंट, और मैं प्रिंट के अंदर ही इनपुट लिख देता हूँ यार, बुंट, जो भी इनपुट है, जो अगेन पैरेंथेसिस जो भी इनपुट है इसको डायरेक्टली अपन यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं, अब इन कॉलन कॉलन माइनस वन, ठीक है, यस। बहुत बहुत मिनिमलिस्टिक कोड है पाइथन का, एक ही लाइन का, अगेन तो इससे भी अपने को अब यहाँ से इनपुट ले सकते हैं, सपोज करो
CODER, कोडर मैं लिखता हूँ, तो देखो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है मेरे पास, ऑसम अमेजिंग है, देख सकते हो तुम लोग रिवर्स ऑर्डर, ब्यूटीफुल। तो ये हमारा पैथमेटिक सोल्यूशन, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले कुछ जनरल तरीके देखे, ठीक है, उसके बाद थोड़ा रिवर्स के बारे में भी जाना, ठीक है। रिवर्स अपने को ट्रेटर रिटर्न करता है, तो बेसिकली ट्रेटर रिटर्न करता है तो अपने को जॉइन यूज करना पड़ेगा। बट फिर उसके बाद स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज किया हम लोगों ने, तो स्लाइसिंग ने अपना काम और आसान कर दिया। अगर तुम लोग को स्लाइसिंग के बारे में जानना है तो तुम लोग मेरे स्लाइसिंग के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, codersneverquit.in पे तुम लोग देख सकते हो, ठीक है, पाइथन का सेपरेट कोर्स है। ओके, तो मिलता हूँ तुम लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।